दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप फीफा फूस पर। जी हां, मिल रही जानकारी के अनुसार एनसीबी ने छापे मारी है मुंबई के पवई इलाके में, जहां पर ड्रग से भरा एक कंटेनर उनके हाथ लगा है। जी हां, हशीश नाम के बंदे को भी, हशीश नाम के ड्रग पैडलर को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। जी हां, मिल रही जानकारी के अनुसार आज सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास एनसीबी के अधिकारियों को उनके टीपरों ने ये टिप दी कि पवई इलाके में ड्रग का एक कंटेनर उतरने वाला है, जहां पर एक बड़ी मात्रा में ड्रग की स्मगलिंग होने वाली है। कुछ छोटे मोटे ड्रग पैडलर वहां मौके पर मौजूद होने वाले हैं और मौके पर ही सभी को ड्रग बेचने के लिए बांट दिया जाएगा। इस खबर की पुष्टि होते ही एनसीपी अपने जो जांबाज अधिकारी हैं उन सभी को लेकर मौके पर पहुंची, धार मारी, छापेमारी की और एक बड़ी तादाद में ड्रग को जो है अपने हवाले किया है। साथ ही साथ हामिज नाम के बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब कुछ देर में ही एनसीपी इन सभी को लेकर अपने साउथ मुंबई के दफ्तर में पहुंचेगी और फिर एक बहुत बड़े लेवल पर पूछताछ जारी होगी कि आखिर इस ड्रग का जो सबसे बड़ा माफिया है कंटेनर भर के ड्रग, वो किसने मंगाया था और किन किन लोगों को बांटा जाता था। बताया कि मुंबई का पवई इलाका बहुत ही ज्यादा महंगा इलाका है दोस्तों। ये वही इलाका है जहां पर करोड़पति अरबपति मुंबई में बसने वाले लोग रहते हैं। हीरानंदानी एरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। हीरानंदानी भी मुंबई के पवई इलाके में ही आती है। मुंबई का पवई इलाका जो मुंबई के बीचों बीच है, मध्य मुंबई में बसा पवई इलाका कहा जाता है, यानी एक बहुत ही पैसे वाले की नगरी में इस तरह से महंगे महंगे ड्रग बिकने कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक के साथ साथ बहुत ही गंभीर विषय है। लगातार ड्रग जो है वो मुंबई को अपने कब्जे में लेता ही जा रहा है। यही वजह है कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इस मसले को लेकर पूरी तरह से अपने और अपनी टीम की कमर कस चुका है। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सेमुल मिरेंदा, इन सारे लोगों को पुलिस ने भाईखल्ला, मुंबई के भाईखल्ला जेल में बंद कर दिया है और ड्रग का ही एंगल है। इसके अलावा बॉलीवुड के 15 नामों की लिस्ट भी एनसीबी ने बनाई है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आ रहा है। क्या कुछ खास अपडेट होगी ये बताएंगे आपको अगले वीडियो में। बने रहे हमारे साथ।